चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल पर दिल से स्वागत। आज मैं खड़ा गुरु घर की धरती पर जो लिस्बन पुर्तगाल में है, और यहाँ पर काफी लोग ग्रीमा के बेटे आए हैं जो लाखों कमाते हैं और लाखों में खेलते हैं, पर कैसे वो पैसा बनाते हैं, कैसे वो स्ट्रगल कर आए हैं, कितना खर्चा है, और कैसे आप लोग भी बगैर एजेंट के एक रुपया ना देकर कैसे आ सकते हो और अपने गरीब माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हो। मेरी निगाह में एक माँ बाप होते हैं जो बूढ़े हैं चाहे जवान है, वही आपके भगवान है। अगर वही आपसे पैसा लगा बेचते हैं, अगर आप उनकी इज्जत करके भगवान को पालोगे, तो चलिए शुरू करते हैं, वेलकम करते हैं आज इन शो पर सर को। सर यहाँ पर डिलीवरी का काम कर, सर बैग नीचे रखा, हैवी बैग होगा। तो गाइस आपने वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और मैं खुद सऊदी अरबिया जा रहा हूँ, मैं फ्री टिकट दूंगा, आप सऊदी अरबिया जा सकते हैं और सीवी कलेक्टर बनाना, उसके लिए भी एक फ्री गिफ्ट। वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, कोई हेल्प चाहिए तो सर आपकी हेल्प करेंगे, कमेंट वीडियो में जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम टू माय शो सर, पहले बताएं आपका नाम क्या है, और आपने इमीडिएटली मुझे हाँ बोल दी, क्योंकि एक आदमी को टाइम देने के लिए किसके लिए यहाँ पर टाइम नहीं था। आप कहाँ से हैं पहले, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अनमोल प्रीत सिंह है। अनमोल, और मैं पंजाब से फतेहपुर समाना से हूँ, पटियाला के पास। पटियाला से मेरे को यहाँ पे 3 साल से ज्यादा हो गए हैं रहते को रहते हुए। और कौन से जॉब कर रहे हैं अभी? मैं अभी उबर पे कर रहा हूँ, उबर ईट का काम कर रहा हूँ। ओके, मैं आपसे शुरू से पूछता हूँ, आप 3 साल पहले यहाँ पर कैसे आए थे? टूरिस्ट वीजा पर आए थे या डोंकी लगा कर आए थे या एजेंट थ्रू आए थे? हाउ यू केम टू यहाँ पर? मैं लातविया में आया था स्टडी वीजा पे। स्टडी वीजा पर वहाँ पे मैंने 2 महीने स्टे किया और काट लिया वहाँ से रेजिडेंसी कार्ड। तो उसके बाद मैं पुर्तगाल में आया, तो वहाँ पे यहाँ पे आते सार ही मैं नेक्स्ट डे फाइनेंस वगैरह बनाकर अपने डॉक्यूमेंट के प्रोसेस शुरू कर दिया। तब से यहीं पर हो? हाँ जी। ओके, बहुत दिमाग अच्छा है आपका। लतावे में गए, मुझे तो ये पता जर्नी में तो लतावे स्टडी करने भी जा सकते हैं 2 महीने छोटा को। कितना पैसा लगा लतावे जाने में आपका? लतावे जाने में आपका 7 से 8 लाख रुपया खर्चा आया। आपका आया था? हाँ। आप एजेंट थ्रू गए होंगे उस टाइम? हाँ, एजेंट का नाम मत देना। तो सर लतावे 7 लाख 8 लाख लगाकर गए हैं और एजेंट थ्रू गए थे स्टडी करने के, 2 साल स्टडी की, तो उसके बाद एजेंट ने किया, फिर आप खुद ही यहाँ पर आ गए ना? फिर खुद ही आ गया, फिर वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती आपके पास वीजा होना चाहिए। उन्होंने बकायदा एयरपोर्ट पे चेक भी नहीं किया मेरा, सिर्फ पासपोर्ट देखा, रेजिडेंसी कार्ड भी नहीं देखा वहाँ पे जब फ्लाइट पकड़ी थी आपने। तो फिर आप सीधे यहाँ पर आ गए? यहाँ पे आ गए। तो जब आप यहाँ पर आए तो कितने पैसे लगे आपको टीआरसी बनाने में? मेरे गोरो बनाने में 500 यूरो खर्चा आया था। अच्छा। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं दिया, जो फीस होती है सिर्फ वो ही दी है ना उसको। क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके लिए? उसके लिए आपका मेन है गोरो लगता है, गोरो बनाना पड़ता है, बनैस होता है आपका, और आपको क्या कहते हैं इंडिया का क्रिमिनल चाहिए है ना, पीसीसी चाहिए, बस पॉइंट नोट किया। रिकैप कर दूं, लड़का लतावे एजेंट 7-8 लाख लगाकर आया, पर यहाँ पर पुर्तगाल आते हुए इसको कोई चेक नहीं किया लतावे से, यहाँ ये खुद आया, इसके 500 यूरो लगे थे कागज बनाते, टीआरसी बनाते हो, टीआरसी में आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर लगता है, ये उसको एसआरएफ के कुछ और सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, आपको अकोमोडेशन आप कहाँ रह रहे वो भी लगता होगा है ना पुर्तगाल में। जूनता बोलते हैं देखो मेरी तो लैंग्वेज है, जूनता बोलते हैं। और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत क्लीन चाहिए, वो आपको आज हर डेट में हर जगह चाहिए, यूके में भी चाहिए। और मैं खुद 18 साल यूके में रह रहा हूँ, मैंने 62 कंट्रीज देखी और 7 के 7 वंडर देखे। अब मैं चाहता हूँ ऐसे लड़के आगे बढ़े जो आपके माँ बाप को एक नया घर देकर और एक बहन की शादी करे। किसी लड़की की शादी करना एक भाई के लिए बहुत सौभाग्य होता है, मेरी तो बहन नहीं है पर इनके लिए बहुत अच्छी बात है, ये लड़के जो बाहर आकर मेहनत करते हैं। तो सर ये तो हो गया आपकी यहाँ पर जर्नी। तो आप जब शुरू में आए थे आपको पहले जॉब कौन सी मिली पुर्तगाल में? पहले मेरे को खेतों में जाना पड़ा, स्ट्रॉबेरी तोड़नी पड़ी थी, उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद ही मतलब कि मैं ब्लूबेरी के काम पे गया। मैंने अलग अलग चेंज किया है ना, फिर पहले फैक्ट्रियों में रख लेते थे कच्चे बंदे को भी बिना आरसी के, तो फिर मैंने मतलब बर्तन बनते हैं वहाँ पे फैक्ट्री में, वहाँ पे 9 महीने काम किया, उसके बाद फिर 1 साल और किया दूसरी फैक्ट्री में, फिर टीआरसी बन गई। टीआरसी बन गई। तो क्या जब आपने जो फर्स्ट जॉब ली थी क्या वो अपने फ्रेंड के थ्रू ऐसे गुरुद्वारा में किसी को मिलकर ली थी, कैसे ली थी फर्स्ट जॉब? नहीं, मेरे लड़का नहीं आता वो कैसे जॉब ढूंढे, मेरे कहना मतलब ये है वो उनके लिए सबसे बढ़िया बात है, अगर उनके पास कोई नॉन है यहाँ पे रहता है तो सबसे बढ़िया उनके लिए वो है ना। अगर कोई नहीं है तो वैसे तो यहाँ पे कोई नहीं, किसी को नहीं जानता कोई, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो अगर कोई जैसे कि फ्रेंड बन जाता है गुरुघर में आके हेल्प कर देते हैं ना यहाँ पे आके, तो बढ़िया बहुत लोग हैं जो हेल्प कर देते हैं। मैं खुद गुरुघर के बैठे लोग हैं। अब बात करते हैं आपकी मेन जॉब डिलीवरी जॉब पर, जो लोग पागल हैं इंडिया में काम करने के लिए, जो आपको एज ए रोल मॉडल डिलीवरी जॉब पर आप काम कर कितना पैसा बना लेते हैं ओवर टाइम के बाद? अभी फिलहाल तो थोड़ा सा कम चल रहा है ना, एवरेज बता दीजिए लाखों 1200-1300 यूरो बन जाता है, इजीली बन जाता है। पॉइंट नोट किया जाए कि लड़का डिलीवरी की जॉब करता है 1200 मतलब 1,20,000 करीब बना लेता है, पर अभी थोड़ी मंदी चल रही है। तो सर डिलीवरी जॉब जब ओबेर ईट्स में काम कर रहे हो, मैंने आपका बैग देखा है, तो कैसे मिली आपने, इसका प्रोसेस क्या, आपको ऑनलाइन अप्लाई किया था आपने, कैसे किया था ये? इसका ऑनलाइन प्रोसेस होता है, पहले आपको वेबसाइट है उसका लिंक होता है, फिर जाके आपको सारी डिटेल फिल करनी होती है, पर्सनल जो डिटेल होती है जैसे नाम वगैरह हो गया ना, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंडियन चल पड़ता है एक साल के लिए, कैसे इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस चलता है, अगर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल है देन यू कैन डू जॉब
जॉब फॉर ए वन ईयर, उसका फिर आपको माल्टा माल्टी से लेना पड़ता है, पर आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लोड किया? मेरे को तो मैंने तो जस्ट रेजिडेंसी दी अपनी, पीसीसी वगैरह दी थी, अपलोड की थी, तो उसके अलावा मतलब कि पीसीसी यहाँ से मिल जाती है ना, तो पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट वो ऐड किया था, तो और फोटो वगैरह होती है, और अगर आप प्लेटफॉर्म पे करते हो तो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं प्लेटफॉर्म के, जो यहाँ पे मतलब लड़का होता है जिसके थ्रू करते हैं, अगर आप प्लेटफॉर्म पे नहीं करते तो आप अपना अकाउंट वो खुला सकते हैं, एक्टिविटी खुलवा कर तो अपना कर सकते हो काम। आप दोस्त के, अच्छा आपने खुद अप्लाई किया? मैंने खुद किया। कोई खास डॉक्यूमेंट लगते हैं? आप ऑनलाइन पर जाओ, अपने लोड करो डॉक्यूमेंट, पीसीसी लोड करो, अपने ड्राइविंग लाइसेंस लोड करो, अपना सीवी लोड करो, पर आपका सीवी यूरोपियन स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसके लिए आप मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि सीवी आपको सेलिंग पॉइंट है, पर उसके लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम आई डी रियल गैरी कुमार बनाना पड़ा, पर मेरे नाम पर फ्रॉड टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप है, मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, तो फ्रॉड से बचिए। तो आपने लोड इंटरव्यू हुई थी आपकी फिर जाने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता, बस आपके पास लाइसेंस भी नहीं है तभी भी कर सकते हो आप, साइकिल पे हो जाती है, और साइकिल पर सॉरी साइकिल पर भी हो जाती है, लाइसेंस की जरूरत भी नहीं है, तो जो साइकिल की आप खुद लेनी पड़ती है, कंपनी देती है आपको साइकिल? नहीं, वो खुद का होता है। सर मुझे बताएं, आपने बताया कि आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो, कितने पैसे बचते हैं? आपने तो लाइसेंस चल पड़ता है, लाइसेंस जरूरत नहीं, आपने कहा बाइक लेनी पड़ती है और बाइक आपको कंपनी देती है, आप खुद देते हो, तो क्या कितना पैसा आप काटते, कितने पैसे आपसे ले जाता है? अभी देखो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि बाइसाइकिल पे करके ना आईडी, तो स्कूटर पे चलाते हैं, मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, तो उसमें से आप मतलब कि खर्चा तेल का भी निकालना पड़ता है ना, तो जैसे कि 40 यूरो का तेल हो जाता है हफ्ते का, तो आप अप्रोक्सीमेटली लगा के मान लो अगर आपका काम बढ़िया चल रहा है तो आप 1200-1300 बचा सकते हो, 1200 बचा सकते हो सारे खर्चे निकाल के यहाँ पर। हाँ, 1200 रहने का नहीं सिर्फ 1200-1300 खर्चा है, जो 120,000 के बराबर है, और ये लड़का रहने का खर्च डिस्कस करते हैं, पर ये कह रहा है कि 3 महीने बाद आपको काउंटर रखना पड़ता है, और 3 महीने के बाद टैक्स पे करना पड़ता है, जो फ्यूल है यहाँ पर नहीं मिलता, फ्यूल इसको अपना लेना पड़ता है, बाइक चला रहे हैं, अगर आप बाइक साइकिल चला रहे फिर तो फ्यूल उस पर तो बैटरी लग जाती है, बैटरी खरीदो एक बार उसको चार्ज लगा लो अपने। अच्छा, वो सस्ता फिर बैटरी नहीं, उसका बैटरी का नहीं, बस साइकिल मिल जाता है 1000 के तकरीबन मिल जाता है, 19,000। अच्छा ये तो हो गया, अब जब आप यहाँ पर आए हो आपको टीआरशिप मिल गई होगी ना? हाँ जी। तो आपका पीआर का चांसेस क्या है यहाँ पर? 5 साल पीआर कैसे मिलती है, पीआर कैसे मिलती है यहाँ बताओ? अभी जैसे कि मेरे पास टू ईयर की रेजिडेंसी है, तो अभी खत्म होने वाली है, वो रिन्यू होने वाली है इस अक्टूबर को, तो इसके बाद मिलेगी 3 साल की मेरे को, 3 साल की, जब 3 साल की खत्म होगी है ना, तो मेरे को ऐसी 5 साल की टेम्परेरी लेनी पड़ेगी, तो साथ में 5 साल कंप्लीट होती मैं पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ। 5 साल पीआर मिल जाता है टीआरसी के बाद आपके? हाँ जी, पॉइंट और पासपोर्ट पुर्तगीज मिल जाता है। सर ने कहा जो वेरिएट है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन जाना है, अपने डॉक्यूमेंट पुलिस सीसी आप क्यों अप्लाई कर वो अपलोड करने हैं, और उसके बाद आप स्टार्ट, जो ऐप है मोबाइल इजीली यूज हो जाती है ना? इजीली है, बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, कोई हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब कर। हाँ। तो बताएं जो आपको सैलरी 1 वीक का मिलेगी, 2 वीक का मिलती है इसकी, जो भी पे होता है उबर का वीक होता है, वीक मिल जाता है ना? यस। तो पैसे वीक और जाते रहिए, और बताइए बड़े क्लियरली कि खर्चा यहाँ पर कितना है, रहने का शेयरिंग, शेयरिंग में रहते हो आप, आपका 300-350 खर्चा है, 350 खर्चा सर मिलाकर, खाना पीना सब, खाना पीना मिलाकर, तो मतलब कि अगर 1200-1300 कमा रहे हैं, 1000 यूरो आपकी जेब में रफली आ जाते हैं ना, तो जो कि नियरली 1,00,000 रुपए के बराबर है, तो गाइस पुर्तगाल आ जाओ। सर पुर्तगाल के बाद कौन सी कंट्री जा रहे हो? तो आगे से तो भाग कर आए, कहाँ जा रहे हो बताओ? अभी तो भाई कभी भाई साहब सोचा नहीं है ना इसके बारे में, तो पर फिर भी जो गोल है आगे कैनेडा जाने का, कैनेडा यहाँ की टीआरसी लेने पासपोर्ट लेने के बाद। तो पंजाबी है सारे लोग यहाँ पर कैनेडा जाना चाहते हैं, पर पाजी कह रहे अभी तो मैं कुछ सोचा नहीं, अभी तो इनको पहले पासपोर्ट मिलेगा, 3 साल इनके और पड़े हैं, पर जो भी लड़का वीडियो देख रहा है, अगर आपने शैंगन वीजा लगाना खुद लगाओ, अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ जो जहाँ से 4-5 लाख का फंड चाहिए, अब अगर आप स्टूडेंट वीजा अपन लतावे चले जाओ छोटी छोटी कंट्री, टीआरसी बनाने के बाद आप यहाँ आ जाओ, अगर आप वर्क वीजा लेना चाहते हो सीवी कटा बनाकर ऑनलाइन अप्लाई करो, पर उसके लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज आती है आपकी चांदी भी। यहाँ पर इतने रेस्टोरेंट हैं जो इंडियन को इसलिए लेते हैं, उनको तो मेहनती है, हम लोग ओवर टाइम करते हैं और हम काफ़ी फेमस है, हार्डवेयर से लड़कियाँ दोनों इक्वल हैं, और उसके लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, और जो आप लाखों पैसा एजेंट में खर्चे हो, थोड़ा पैसा लैंग्वेज पर सीख कर आओ, तो अपने माँ बाप सपने पूरे करो, और अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनसे बड़ा भगवान मेरी निगाह में कोई और नहीं है। ये तो है ना, सही बात। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय।